विधानसभा धमदाहा। बिहार का धमदाहा विधानसभा सीट पूर्णिया लोकसभा के तहत आता है। 1952 में धमदाहा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर भोला पासवान शास्त्री ने जीत हासिल की थी। 1957 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर भोला पासवान शास्त्री ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1962 में हुए विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने जीत हासिल की थी। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने बतौर कांग्रेसी कैंडिडेट जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1969 में धमदाहा सीट पर हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर कालिका प्रसाद सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1972 में धमदाहा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट जय नारायण मेहता ने जीत हासिल की थी। 1977 में यहां हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट सूर्य नारायण सिंह यादव ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1980 के चुनाव में भी जनता पार्टी की ही टिकट पर सूर्य नारायण सिंह यादव ने धमदाहा सीट पर जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। वहीं 1985 और 1990 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट अमरनाथ तिवारी ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1995 में जनता दल के कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव ने धमदाहा में जीत का परचम लहरा दिया था। 2000 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट पर एसीपी पार्टी के टिकट पर लेशी देवी ने जीत हासिल की थी। 2005 में धमदाहा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2010 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर लेशी सिंह ने जीत का परचम लहराया था। 2015 में जेडीयू की टिकट पर लेशी सिंह ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट से जेडीयू की टिकट पर लेशी सिंह ने जीत हासिल की थी। लेशी सिंह ने चुनाव में 76,027 वोट हासिल किए थे। वहीं बीएलएसपी के कैंडिडेट शिवशंकर ठाकुर को 45,736 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से लेशी सिंह ने शिवशंकर ठाकुर को 30,291 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव 12,667 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट से जेडीयू की टिकट पर लेशी सिंह ने जीत हासिल की थी। लेशी सिंह ने चुनाव में 64,323 वोट हासिल किए थे। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट इरशाद अहमद खान ने 19,626 वोट हासिल किए थे। इस तरह से लेशी सिंह ने इरशाद अहमद खान को 44,697 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट दिलीप कुमार यादव ने 19,554 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में धमदाहा सीट से आरजेडी की टिकट पर दिलीप कुमार यादव ने जीत हासिल की थी। दिलीप कुमार यादव ने चुनाव में 39,175 वोट हासिल किए थे। वहीं जेडीयू कैंडिडेट लेशी सिंह को 35,578 वोट मिले थे। इस तरह से दिलीप कुमार यादव ने लेशी सिंह को 3,597 वोट से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट नीलम देवी 11,990 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन जीत तो उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।